now, there is a criticism of standardized norm reference assessments. standardized norm reference assessments have been the backbone of educational and psychological assessments for decades. however, these tests have been criticized for a variety of reasons, including limited validity, limited reliability, cultural bias, and narrow focus. दर्जे के लिए हर स्टेज के लिए कुछ बेंच कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि बच्चे को यहाँ तक आना है और जैसे चार साल के सारे बच्चे जो हैं वो फिक्रे एक फिक्रे के अंदर मुकम्मल फिक्रे के अंदर या सेंटेंस में अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं या अपना नाम बता सकते हैं पेरेंट्स का नाम बता बता सकते हैं अपने इदारे का नाम बता सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो पैटर्न्स जो नॉर्म्स यानी पूरी दुनिया के बच्चे जो हैं वो किस तरह से क्या कर सकते हैं तो कुछ पैटर्न साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं तो उन पैटर्न्स पे हम अपने बच्चों की डेवलपमेंट चेक करते हैं कि क्या ये दूसरे बच्चों से पीछे है या दूसरे बच्चों से आगे है तो यहां तक तो ये बात ठीक है लेकिन अगर उन नॉर्म्स की बेसिस पर बच्चों को कंडेम किया जाए या उनकी तजलील की जाए या उनको ये कहा जाए कि भाई आप तो पीछे रह गए हैं आप तो कमजोर हैं नालायक हैं ये दुरुस्त नहीं इसी वजह से बहुत से ऐसे हैं 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 हमारे साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनिस्ट जो ये कहते कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं लेने चाहिए उनके पास कुछ वजूहत है जैसे वो कहते हैं एक तो इनकी वैलिडिटी लिमिटेड है यानी वैलिडिटी ये होती है ना कि आप वही कुछ टेस्ट करें टेस्ट वही कुछ देखें जिसके देखने के लिए उसको तैयार किया गया है लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं क्योंकि जैसे हमने अर्ज किया छोटा बच्चा तो अभी डेवलपमेंटल प्रोसेसिस में है हो सकता है वो थोड़ा पीछे हो हो सकता है वो थोड़ा आगे हो और जिस एक चीज को आप मयर करना चाहते हैं ये भी तो है कि उसके ऊपर बहुत से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करें फर्ज करें उसको एडिशन नहीं आ रही तो इट डजेंट मीन के उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है हो सकता है उसका मूड नहीं है हो सकता है उसकी मसल ब्रेन कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं थी वो ठीक से लिख नहीं सका तो या वो सोशली डरा हुआ है एंजाइटी है उसको तो बहुत से फैक्टर्स जो हैं एक ही वक्त में असरअंदाज हो रहे होते हैं तो बहुत से हमारे जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो वैलिड ही नहीं है लाइक वाइज वो रिलाईबल भी नहीं है अब वही टेस्ट आप मुख्तल तरह के इसी तरह बच्चों को देंगे तो वो अलग से उनके नतज आएंगे जिसकी वजह यह है कि जैसे मैंने अर्ज किया एक डेवलपमेंटल प्रोसेस जब हो रहा है तो वो अभी क्लियर नहीं है वो वाजे नहीं है कि जरूर इस जगह पर बच्चे जाके इस तरह का बिहेव करेंगे हो सकता है बहुत से फैक्टर्स उनकी मदद कर रहे हो और कुछ उनको हिंडर कर रहे हो कुछ रोक रहे हो एक खास तरह का बिहेवियर डिस्पोज करने में सो कल्चरल बायस भी हो सकते हैं uh, कोई स्टैंडर्डाइज चूँके सारे बच्चों के लिए बना हुआ होता है uh, हजारों बच्चों पे सैकड़ों बच्चों पे एक ही वक्त में लागू किया जाता है तो अब जो कल्चरल बायस है पाकिस्तान के बच्चे मुख्तलि होंगे कोरियन बच्चों से अमेरिकन बच्चों से बर्तानिया के बच्चों से या पूरी दुनिया के बच्चे तो आप कैसे कर सकते हैं कि एक ही टेस्ट को हर तरह के बच्चे जिसके कॉन्टेक्स्ट ही हैं उसके सीखने की चीजें ही मुख्तलिफ हैं उसका माहौल मुख्तलिफ है वहां पर आप उसको लागू नहीं कर सकते और फिर इसी तरह उसका फोकस भी नैरो होता है वो चंद एक चीजें मैर करता है बाकी चीजें तो वो मैयर ही नहीं करता प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट चूंकि जैसे मैंने अर्ज किया नॉर्म्स देखने के लिए होता है कि जी ये नॉर्म है ये पैटर्न है यहां तक सब बच्चों को आना चाहिए तो ये तो बड़ा प्रेशर है बच्चों के लिए भी अच्छा मुझे इस पे पूरा उतरना है इस भी प्रेशर में आ जाते हैं कि क्या हमने ठीक से पढ़ाया भी है कि नहीं किया टीचिंग द टेस्ट और अब ये भी होता है कि जी टेस्ट है क्या उसको किस तरह से हल करना है उसकी इंस्ट्रक्शन किस तरह से वाजे करनी है ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि छोटे बच्चे तो टेस्ट को समझ ही नहीं पाते अगर उसकी इंस्ट्रक्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स हों फिर हाई स्टेक्स जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी हाई हम ये समझते हैं हमारी तो ज़्यादा होती हैं कि ये तो हमारे बच्चों को पूरा करना चाहिए वो आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या पब्लिक स्कूल्स हैं उन्होंने बड़े एक दूसरे के मुकाबले में अपने अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर लिया हुआ है ओवर एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट और हम समझते हैं कि कोई भी बच्चा खा वो कैसा ही क्यों ना हो कमज़ोर है सुस्त है या वो स्ट्रॉन्ग है सारे एक ही तरह से बिहेव करें तो नॉर्म्स तो आपको यही कहते हैं सब एक जैसा होंगे जबकि हमारे साइकोलॉजी ये कहती है कि देर आर लॉट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बच्चा दूसरे से मुख्तलि है और हर बच्चा मुख्तलिफ रफ्तार से डेवलप कर रहा है जब वो डेवलप भी मुख्तलिफ रफ्तार से कर रहा है तो फिर सारे एक तरह से परफॉर्म कैसे कर सकते हैं सो लिमिटेड असेसमेंट ऑफ नॉन कॉग्निटिव स्किल्स अगली बात यह है कि आप तो देते हैं पे पेपर पेंसिल टेस्ट अब पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो सिर्फ आपकी राइटिंग एबिलिटी को चेक कर रहा है या अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक कर रहा है आपकी सोशल एबिलिटी मॉरल एबिलिटी एडजस्टमेंट एबिलिटी आपकी वो सारी कहाँ हैं तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है नॉर्म टेस्ट का और फिर कॉस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट चूंकि एक वक्त में एक ही जगह पर नाफिज किए जाते हैं तो उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट आती है तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो असेसमेंट है वो स्टैंडर्डाइज ना हो बल्कि उसको इंडिविजुअल बेसिस पे कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे कल्चरल बेसिस पे तैयार किया जाए वो इंडिजिनस होनी चाहिए और हर बच्चे के पोटेंशियल के मुताबिक उसकी असेसमेंट हो ताकि वो किसी के ऊपर भी बोझ ना बने इंक्लूडिंग द चाइल्ड